Smoking is injurious to health. Smoking causes cancer. धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है. धूम्रपान करने से कर्क रोग होता है. इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है. ये कहानी किसी भी जीव मृत व्यक्ति से अगर मेल खाती है तो ये महज एक इत्तफाक है. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो इसने जाना. देखो मन, पिछले 3 सालों में तुमसे कई बार पूछ चुका हूं, लेकिन तुमने उस घटना के बारे में मुझे आज तक कुछ नहीं बताया. ऐसे में मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? देखो मन, हमें इस केस को सुप्रीम कोर्ट लेके जाना होगा, इसलिए अच्छे से याद करके बताओ कि उस रात हुआ क्या था, ताकि मैं तुम्हें उस नर्क से आजाद करा सकूं. मुझे बाहर नहीं जाना. तुम्हारी ये दुनिया मेरे लिए नरक से कम नहीं. तो क्या तुम अपनी सारी जिंदगी जेल में काटना चाहते हो? देखो मन, मैं तुम्हारा दोस्त हूं और एक सच्चा दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें इस कैद में नहीं देख सकता. अमन, उस घर में तुम्हारी पत्नी की यादें जुड़ी है. मेरी बात सुनो, और मुझे वो सब बात बताओ, वो एक एक बात जो उस रात हुई थी. तो ठीक है फिर, अगर नहीं कुछ बताना चाहते तो बुजदिल हो तुम. अरे तुम खुद की मदद नहीं करना चाहते तो दुनिया का कोई इंसान तुम्हारी मदद नहीं कर सकता. चलता हूं मैं. और हां, एक बात याद रखना, तुम्हारी वाइफ की आत्मा कई बार रोई होगी तुम्हें इस हालत में देखकर. अरे तुमने कभी अपनी वाइफ से प्यार ही नहीं किया. अगर किया होता तो आज बाहर होते और जी रहे होते उसकी यादों के साथ, उसी घर में. ओके, गुड बाय. रुको, बताऊंगा मैं सब कुछ उस भयानक रात के बारे में. वेरी गुड. बहुत खुश थे हम लोग.
अपनी छोटी सी दुनिया में, और एक नन्ना सा मेहमान हमारे घर में आने वाला था। और फिर आई हमारी जिंदगी में वो काली रात। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमन भी बहुत अच्छे हैं, काफी ख्याल रखते हैं मेरा। अच्छा, तुम लोगों ने घर शिफ्ट करना था, कर लिया क्या? हाँ माँ, 3-4 दिन पहले ही शिफ्ट हुए हम लोग। अमन के पास टाइम नहीं था ना, तो इसलिए मादा सामान लेके नहीं आए। शादी के बाद तो जैसे तू अपनी माँ को भूल ही गई, मिलने का मन तो नहीं करता होगा ना अपनी माँ से? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, नए घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है ना, जगह जगह से सीमेंट और पेंट उतरा हुआ है। जैसे ही हम फ्री होंगे तो आपसे मिलने जरूर आएंगे। अच्छा, तो आने वाले नन्हे मेहमान का क्या हाल है? वो भी ठीक है, लगता है अपने पापा की तरह शरारती होगा। और अमन तो इसे लेके बहुत खुश है, उन्होंने तो इसका नाम भी ढूंढना शुरू कर दिया। अच्छा जी, चल तू भी अपने खाने पीने का ध्यान रखना, कोई वजन वाला काम नहीं करना। ओके, ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगी अपना, और जल्दी आ रहे हैं हम आपके घर। माँ, लगता है अमन आ गए हैं, मैं बाद में बात करूंगी आपसे, अभी रखती हूँ, बाय। आ गए आप? आ गया। कैसा रहा आज का दिन? बढ़िया था, जो एड मैंने बनाई थी ना वो बॉस को बहुत पसंद आई। अच्छा, और मेरी सैलरी भी डबल हो गई है, और बॉस ने हमें एक हफ्ते का गोवा का ट्रिप भी ऑफर किया है। सच में हम गोवा जा रहे हैं? हाँ हाँ बाबा, गोवा भी चलेंगे, लेकिन अभी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। खाने में क्या बनाया? आपका फेवरेट। लाओ यार। ठीक है, आप मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ ठीक है, एक मिनट रुको तो सही, मुझे मेरे बेबी से तो बात करने दो। अभी से ही तुम्हारी बात सुनेगा क्या तुम्हारा बेबी? हाँ हाँ सुनेगा ना, अपने पापा की बात। कैसा है मेरा बच्चा, मम्मा ने ख्याल रखा ना आपका? क्या नहीं रखा? कोई बात नहीं, जब आप बाहर आओगे ना फिर हम भी मम्मा का ख्याल नहीं रखेंगे। अब भूख नहीं है क्या तुम्हें? अपने बेबी से बात करके भूख उड़ गई? भूख तो बहुत है, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, खाना खा लो, बाद में बात कर लेना अपने बेबी से, आपका बेबी कहीं नहीं जा रहा। आज डॉक्टर के पास गई थी चेकअप के लिए। तो क्या बोला डॉक्टर ने, कैसा है मेरा बेटा? बेटा
अगर बेटी हुई तो? अगर बेटी हुई तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होगी। वैसे क्या बोला डॉक्टर ने? कुछ नहीं, बेबी तो ठीक है, बस कुछ टेस्ट कराने हैं। हाँ तो कल करवा लेना। कल सुबह फिर बुलाया है। ठीक है, कल ऑफिस जाता जाता छोड़ जाऊंगा। रूही, जब हमारा बेबी इस दुनिया में आएगा तो किसके जैसा होगा, तुम्हारे जैसा या मेरे जैसा? अगर बेटी हुई तो मेरे जैसी, अगर बेटा हुआ तो तुम्हारे जैसा। तुम्हें पता है मैंने तो अभी से अपने बच्चे का नाम सोच के रखा है। अच्छा जी, तो क्या सोचा है आपने नाम? अगर बेटी हुई तो हम उसका नाम परी रखेंगे। जब वो इस घर में अपने छोटे छोटे पैरों से घूमेगी और मुझे पापा बोलेगी तो कितना मजा आएगा ना। और अगर बेटा हुआ तो उसका नाम हम रोहन रखेंगे, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होगा। अब तो बस इसके आने का इंतजार है, कब मेरी गोद में आएगा मेरा बच्चा। आज मोम का फोन आया था, पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। तो क्या बताया तुमने? मैंने तो बोल दिया कि अब तुम्हारा दामाद पहले जैसा प्यार नहीं करता, हर समय बस काम काम। अच्छा जी, तो अब ये शिकायतें भी होने लगी मेरी जान को। और नहीं तो क्या, जब से ये हमारे घर में नन्हा सा मेहमान आने वाला है तब से तुम काफी बदल गए हो, पहले जैसा प्यार नहीं करते। मेरी नन्ही सी जान, देख तेरी मम्मी को कितनी शिकायतें हैं तेरे पापा से। अब तू सो जा, मैं तेरी मम्मी की सारी शिकायतें दूर कर दूं। अगर एक कदम भी आगे बढ़ा है ना तो बेजे में गोली डाल दूंगा बहनचोद, समझी? ए गोटिया। जी भाई। घर में जाके देखो और कौन कौन है। अभी देखता हूँ भाई। कोई नहीं है भाई। देख, हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए, दो तीन घंटे की बात है, हमारे साथ कोऑपरेट कर, समझी? कौन हो तुम, ये क्या किया तुमने मेरे पति के साथ? अभी तक तो कुछ नहीं किया,
और अगर ज्यादा चलाकी करने की कोशिश की ना तो सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा भैंचोद को। चल अब जितना ही फोन है निकाल के यहां रख। हाँ लाती हूं। रुक ए मुंडा। जी भाई। तू जा इसके साथ, देख साली कोई चलाकी ना करे। ठीक है भाई। Hey, उठाओ इसको और अंदर बांधो। ए, चल उठा साले को, पकड़ अंदर लेके चल। पिएगा दे खोल। ले क्या साहब, पहले मारते हो फिर सिगरेट पिलाते हो? पी ले बेटा पी ले, जितना जी करता है पी ले। अब तो बता दे Oh,